आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अंडा दम की बिरयानी रेसिपी। बहुत ही कम ही रहता, बहुत ही झटपट की बनती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही कम ही रहता, बहुत ही झटपट की बन जाती है। ठंडी के मौसम में आप इसको बना खाइए, बहुत ही मजे की लगती है। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। अंडा बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को भिगा लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कप चावल लिया है, यहाँ पे हमने बासमती राइस लिया, आप देख सकते हैं। इसको हम तीन चार पानी से कम इसको आधे घंटे के लिए हम पहले भिगा देंगे। चलिए हम चावलों को भिगा देते हैं और इसके आगे तैयारी शुरू करते हैं। इसी के साथ ही हमने यहाँ पे चार अंडे लिए हैं, यहाँ पे हमने चार अंडे लिए हैं। आप चाहें तो अंडे क्वांटिटी बढ़ा या फिर घटा भी सकते हैं। अब अंडों को इस तरह से आप किसी फोक की मदद से आप इसको इस तरह से इसमें कर दीजिए। सबसे पहले हम इस तरह से करने के बाद अंडों को मैरिनेट कर लेंगे। अगर आपको अंडे को फ्राई नहीं करना है तो आप इसको इस तरह से तभी कर लीजिएगा कि जब आप अंडों को फ्राई करेंगे तो अंडे फटेंगे नहीं। इस तरह से जो है आप अंडे को फ्राई करिए और इस तरह से फोक नहीं मारिए तो अंडे जो है फ्राई करिए तो अंडे फटने लगते हैं। इस तरह से हमें सभी अंडों में इस तरह से कर लेना है। इधर हमने अंडों को फोक की मदद से इस तरह से हमने फोक कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे इस तरह से। नमक हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्वाद अनुसार डाल देना है। इस तरह से नमक डालिए, बहुत ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है। इसी तरह हम जो है दो चुटकी इस पर लाल मिर्चा पाउडर डाल देंगे। डाल के हाथों से उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमें मिला देना है इसको, और मिलाने के बाद इसको हम कुछ देर के 5-10 मिनट के लिए इसको इसी तरह से रख देंगे ताकि हमारे मसाले वगैरह जो है वो अंदर तक के इसमें चले जाएँ। इससे आप इस तरह से फोक की मदद से कर देंगे तो इसमें मसाले बहुत अच्छे से अंदर तक के चले जाते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा ये मैरिनेट हो गया है। इधर हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है जिसमें हमें जो है अपनी बिरयानी को बनाना है। इसमें हमने एक कप तेल डाल दिया, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। यहाँ पे हमने दो मीडियम साइज की प्याज ली जिसको हमने इस तरह से बिल्कुल स्लाइसेस में बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसको हमें चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें हमें एकदम गोल्डन कलर आने तक के हम इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। इधर हमने प्याज को चलाते हुए बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया, आप देख सकते हैं हमारी प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें से हम सभी प्याज को निकाल लेंगे। इधर हमने इस तरह से सभी प्याज को निकाल लिया और एक बर्तन में फैला दिया ताकि हमारी प्याज जो है अच्छे से ठंडी हो जाए। अब इधर हमने जो अपने अंडों को मैरिनेट करके रखा हुआ था हमें इसमें एक एक करके डाल देना है। डाल के इसको एक अच्छा सा कलर आने तक के हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही अंडों को फ्राई कर लीजिए। अगर आप अंडों को फ्राई नहीं करना चाहते हैं, इसी तरह से अंडा खाना पसंद करते हैं तो आप इसको इस तरह से मैरिनेट भी मत करिएगा, इसको इसी तरह से रखिएगा। सर आप देख सकते हैं हमने अंडों को अच्छे से फ्राई कर लिया, हमारे अंडे में एक अच्छा सा कलर आ गया। इसके बाद हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, हम इन अंडों को निकाल लेंगे। इसी के साथ ही हमने यहाँ पे दो मीडियम साइज के आलू लिए थे जिसको हमने इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर लिया था। इसको भी हमें डाल के इसी तरह से फ्राई कर लेना है। आलू ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें और नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पर आलू डालने से बहुत ही मजे का इसका टेस्ट आता है, बहुत ही मजे का क्या है। इसलिए फ्लेम को हाई कर लीजिए और हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। जब हमने आलू को भी फ्राई कर लिया, हमारे आलू में भी एक अच्छा सा कलर आ गया। बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क कलर आने तक के नहीं फ्राई करेंगे, बस एक हल्का कलर आने तक के हम इसको। इधर हमने आलू को भी निकाल लिया। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। यहाँ पे गरम मसाला हमने लिया, यहाँ पे जीरा, लौंग, दलिया, सभी मसालों को हमें तेल में अच्छे से तड़का लेना है। सभी मसाले हमें तेल में अच्छे से तड़क गए थे। फ्लेम को हमने यहाँ बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ है। इसी के साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और यहाँ पे हमने 4 से 5 हरी मिर्ची ली थी जिसको हमने इस तरह से कूट लिया है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में डाल के पेस्ट भी बना सकते हैं या फिर इसको आप चॉपर में डाल के इस तरह से बारीक चॉप कर लीजिए। इसको भी हमें साथ में भून लेना है। फ्लेम हमने मीडियम टू लो ही रखा है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म होने तक के और हरी मिर्चों को हमें दोनों को साथ में अच्छे से भून लेना है। हरी मिर्ची फिर हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को भी अच्छे से भून लिया। 1 टीस्पून इसमें हमने धनिया पाउडर डाल देना है। 1 टीस्पून इसमें हमें लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। 1/2 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ ही 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पे हमने 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून साबुत धनिया लिया था जिसे हमने इस तरह से क्रश कर लिया है। मोटा मोटा दरदरा सा आप कूट लीजिए, इसको डाल देना है। डाल के अब इसको फ्लेम को लो कर लीजिए। लो फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से मसालों को भून लीजिएगा। तो हाई फ्लेम रहेगा तो हमारे मसाले वगैरह जो है वो जल जाएंगे। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। यहाँ पे इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं। डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को लो रखिए, लो फ्लेम पे ही मसालों को अच्छे से चलाते हुए भून लीजिए। यहाँ पर हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला, इसी तरह से हम मसालों को भून लेंगे। फिर हमने मसालों को चलाते हुए अच्छे से भून लिया। अब स्टेज पर यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था जिसको हमने इस तरह से ग्राइंडर जार में डाल के बारीक इसका पेस्ट बना लिया। जैसे पानी वगैरह हमने बिल्कुल भी नहीं डाला था, हमें इसको डाल देना है। फ्लेम को हमने अभी भी लो ही रखा हुआ है, लो फ्लेम पर ही हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे मसाले वगैरह जो टमाटर का मॉइस्चर छोड़ेगा उसमें पक भी जाएंगे और अच्छे से भून भी जाएंगे। इस तरह से हमें चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेना है।
जरा हमने टमाटरों को भी चलाते हुए अच्छे से भूलिए, आप देख सकते हैं हमारे मसाले वगैरह बहुत अच्छे से भून गए। इसमें से टमाटर ने तेल वगैरह मसाले ने छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो हमने प्याज को फ्राई करके रखा था उसमें से आधी प्याज को हम इस तरह से क्रश करते हुए हमें इसको डाल देना है। डाल के इसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है चलाते हुए। इसी के साथ ही यहाँ पर हम 3 से 4 टेबल स्पून इसमें हम दही डाल देंगे। दही को आप अच्छे से फेंट के फ्लेम को एकदम लो कर लीजिएगा, तब हमें दही को डालना है। डाल के अब इसको भी हम फ्लेम लो ही में अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स में अच्छे से हम चलाएंगे। इसको चलाते हुए हमें इसको भी अच्छे से भून लेना है। इसी तरह से इधर हमें दही वगैरह को भी चलाते हुए बहुत अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं हमारे मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब इसी में साथ ही इसमें यहाँ पर 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अगर आप बिरयानी को चटपटी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चाट मसाला डालिएगा, नहीं आप इसको स्किप कर दीजिएगा। इसी के साथ ही यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्ची इस तरह से हमें तोड़ के डाल देना है। कुछ हरा धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते यहाँ पे हमें डाल देना है। डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को यहाँ मीडियम टू लो रखिएगा और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ ही हमने जो अपने आलू को फ्राई करके रखा था इसी स्टेज पर हम डाल देंगे और मसालों के साथ जो है हम इसको भी अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे और ताकि हमारे मसालों का फ्लेवर जो है आलू में आ जाए और मज़े के बनके तैयार हो। इस तरह से हम 1 मिनट तक अच्छे से इसको फ्लेम को हाई कर लेंगे इस स्टेज पर और हाई फ्लेम पर हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। इधर हमने फ्लेम हाई करके मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई की। आप देख सकते हैं हमारे मसाले वगैरह बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अभी स्टेज पे हमारा मसाला यहाँ पे एकदम ड्राई हो चुका है तो हमें यहाँ पे इतना ड्राई मसाला नहीं चाहिए। इसमें यहाँ पे हम इसमें 1 कप के आसपास पानी डाल देंगे। इस तरह से हमें पानी डाल देना है। डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसकी ये इतना ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा हमें ना इसको पतला करना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। इस तरह से हम रखेंगे, इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको 2 से 3 मिनट तक के हम पका लेंगे और पकाने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और उसको साइड कर देंगे। चलिए हम चावल की तैयारी करते हैं। इधर हमने एक साइड पे पानी को बॉयल होने के लिए रखा है। पानी हमारा बॉयल होने के लिए इसमें हम 3 तेज़पत्ते डाल देंगे। एक यहाँ पर हमने चक्र फूल लिया है उसको हमें डाल देना है। इसी के साथ ही हम यहाँ पर जो है दालचीनी डाल देंगे, 2 छोटी इलायची डाल देंगे और 2 लौंग हमें डाल देनी है और 1 हरा मिर्च लिया था जिसको हमने इस तरह से बीच में से तोड़ के डाल दिया। अगर आप बिरयानी चटपटी चाहते हैं तो ही आप इसको डालिएगा। इसी के साथ ही यहाँ पे कुछ पुदीने के पत्ते डाल देंगे। मेरे पास ड्राई थे, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल दीजिए। इसी के साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप इस हिसाब से डालिएगा जिस हिसाब से आपके चावल हो, उस हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिएगा। इसी के साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। इससे हमारे चावल जो है बहुत ही खिले खिले बन के तैयार होते हैं। इधर हमारे पानी में बॉयल आना शुरू हो गया तो जो हमने हमने चावलों को भिगा के रखा था उसको इसमें हमें इस तरह से डाल देना है। इसमें से हम चावल में से जो हमने चावल को भिगाया था वो पानी को हमें निकाल देना है। सिर्फ यहाँ पे हमें चावल ही डालने हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस तरह से हम डाल देंगे। डाल के हमें चावल में बॉयल आना देना है और हमें अपने चावल को 90% तक के पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 90% तक ही हम चावल को पका लेंगे। इसी के साथ ही हम यहाँ पर 2 से 3 बूंद जो है इस तरह से नींबू की डाल देंगे। फिर आप देख सकते हैं हमारे चावल में एक बॉयल आ गया है। इसको पकते हुए जो है 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे चावल अच्छे से 80 से 90% पक चुके हैं। अब इस चावल को जो है हम इसको निकाल लेंगे किसी स्ट्रेनर की मदद से। आप इसको निकाल लीजिए और इसके पानी को जो है ड्राई कर लीजिए। इधर हमने चावलों को एक स्ट्रेनर में निकाल लिया। आप देख सकते हैं चावल के पानी को हमने ड्राई कर लिया। चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। इधर हमने फिर से अपनी जो है ग्रेवी को चढ़ा दिया इस तरह से। जो हमने अपने अंडे को बॉयल करके रखा था यहाँ पर हमें इस तरह से इसको जो है अंडों को अपने एडजस्ट कर देना है। इस तरह से आप अंडे ले सकती हैं। आप अंडे की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा या फिर घटा भी सकती हैं। अभी इसके ऊपर जो है यहाँ पे हम हरा धनिया और पुदीने के कुछ पत्ते हम डाल देंगे। यहाँ पे आपके पास चाहे आप फ्रेश धनिया हो तो फ्रेश डाल दीजिए और आपके पास वैसे हो तो वैसे डाल दीजिए। इसी के साथ ही यहाँ पे हम फ्राई हुई प्याज डाल देंगे। इसी के साथ ही हम यहाँ पे हमने जो अपने चावल को बॉयल करके रखा है उसको इसमें डाल देना है। इधर हमने इसी तरह से सभी चावल इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब इसको हम इस तरह से दम पे लगा देंगे। यहाँ पे कुछ हरे धनिया और पुदीने के पत्ते डाल देंगे। यहाँ पे जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी आप उसको डाल दीजिएगा इस तरह से। इसी के साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं डाला, यहाँ पे हमने हल्का सा फूड कलर डाल दिया। अब यहाँ पे हम इसको दम लगा देंगे। दम लगाने के लिए यहाँ पे हमने एक कपड़ा ले लिया है जिसको हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और रखने के बाद इसको हम कवर कर देंगे इस तरह से। अच्छे से हमें ढक देना है, दबा देना है इसको। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई भारी बर्तन भी रख दीजिए और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से पकने देंगे। ये था हमारी बिरयानी को पकते हुए, हमने फ्लेम को बंद कर दिया था और इसको इसी तरह से हमने छोड़ दिया था। अब देख सकते हैं कितने खिले खिले हमारे चावल बनके तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े की हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। एक बार आप इस तरह से बना के देखिए, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। चलिए अब इसको हम गर्मा गर्म इसी तरह से सर्व कर लेते हैं। इधर हमारी अंडा बिरयानी एकदम तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म इसी की तरह सलाद के साथ या फिर रायते के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही मज़े लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।